देवरिया की त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर जिले का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाएगी। शासन स्तर से जारी टेंडर हासिल करने के बाद कंपनी ने शनिवार से काम शुरू कर दिया है। करीब 28 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले प्लांट को बनाने की जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज को मिली है। प्लांट के निर्माण के बाद न सिर्फ शहर साफ सुथरा नजर आएगा बल्कि शहर वासियों को कूड़े की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। शासन की ओर से जारी टेंडर के अनुसार कार्यदायी संस्था को 1 साल के भीतर प्लांट का निर्माण पूरा कर देना है। टेंडर के अनुसार इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 500 मीट्रिक टन होगी। वहीं इसके निर्माण कार्य में कुल 28 करोड़ का खर्च आएगा। प्लांट में प्रोसेसिंग एरिया, कंपोस्टिंग एवं एरिया, प्रीफ्यूरिंग एरिया और शौचालय आदि का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने सहजनवा के सुथानी गाँव में 20 एकड़ जमीन की खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शनिवार से कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है। 1 साल में कंपनी प्लांट बनकर तैयार कर देगी। 6 जनवरी 2023 को प्लांट काम करना शुरू कर दे और साथ ही साथ शहर से निकलने वाले कूड़े से बनेगी खाद। शहर से निकलने वाले कूड़े से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट खाद बनाई जाएगी। हालांकि पहले योजना कूड़े से बिजली बनाने की थी लेकिन शासन स्तर से इस प्रोजेक्ट को बदलाव कर दिया गया है।